गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर, वेलकम ऑल द स्टूडेंट इन योर ऑनलाइन क्लास। हम जियोलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है हमारा कॉर्डेटा। और इस कॉर्डेटा की जो बुक है, इसमें हमने हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी और हम सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट की है। तो सेकेंड यूनिट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है वो क्या है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या अध्यावरण तंत्र। तो हमने देखा था जो हमारी लास्ट क्लासेस थी उसमें कि जो अध्यावरण है वो क्या है, स्किन और उसके डेरिवेटिव से, यानी कि स्किन और उसके जो विपन होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। जब हम एपिडर्मिस की जब हम इंटेग्यूमेंट की अध्यावरण की जो संरचना है उसकी बात करते हैं, तो जो अध्यावरण है वो एक तरीके से क्या है, एक सुरक्षात्मक अवरोधी परत होती है, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर है, सेंसरी लेयर होती है, जो कि क्या करती है, एपिडर्मिस और डर्मिस दो लेयर से मिलकर फॉर्म होती है। जब हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस जो होती है एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से, यानी कि भ्रूणीय एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है, और जो डर्मिस होती है वो किससे बनती है, मेसोडर्म से बनती है। एपिडर्मिस की यदि हम बात कर रहे हैं तो एपिडर्मिस की 5 सब लेयर्स होती है, यानी कि एपिडर्मिस खुद 5 उप स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। और यदि हम डर्मिस की बात करते हैं तो डर्मिस जो होती है वो खुद दो 92 सब लेयर से मिलकर बना होता है। जो एपिडर्मिस होती है तो एपिडर्मिस में क्या क्या होती है, इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, डेड सेल कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स होती है, वो धीरे धीरे रिप्लेस करके क्या हो जाती है, मृत कोशिकाएं हो जाती है। जबकि अगर हम डर्मिस की बात करते हैं तो डर्मिस जो होती है ऑलवेज लिविंग सेल से, यानी कि जीवित कोशिकाओं से निर्मित ही परत होती है। तो यहां हमने एक तरीके से जनरली एपिडर्मिस के लिए जो कॉमन स्ट्रक्चर होती है वो हमने बात करी थी कि नॉर्मली एक सामान्य त्वचा की क्या क्या संरचना पाई जाती है। अब इसके बाद जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो क्या है, एपिडर्मल व्युत्पन्न, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एपिडर्मिस कहते हैं। जब हम एपिडर्मिस के डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं तो एपिडर्मिस के डेरिवेटिव्स में हमने देखा था एपिडर्मल शल्क होकर, यानी कि एपिडर्मल स्केल्स है, एपिडर्मल जो ग्लैंड्स है वो क्या करती है, एपिडर्मिस के डेरिवेटिव्स में आती है, यानी ये क्या फॉर्म कर रही है, उसके व्युत्पन्न, एपिडर्मिस के व्युत्पन्न को निर्मित करती है। तो इस तरीके से संरचनाएं, इनके बारे में हमने जैसे लास्ट क्लास थी उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था, एपिडर्मल ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, यानी कि एपिडर्मल जो एपिडर्मिस से ग्रंथियां निकलती हैं, जो ग्लैंड्स निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। तो एपिडर्मल ग्लैंड्स की हमने बात करी थी, तो एपिडर्मल जो ग्लैंड्स होती है वो कैसी है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, यानी कि यूनिसेल्युलर भी है एंड मल्टीसेल्युलर भी है। यूनिसेल्युलर सेल्स का अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेल्युलर जो ग्लैंड्स होती हैं जैसे म्यूकस ग्लैंड या गॉब्लेट जो सेल्स होती है, ये क्या होती है, एक तरीके से यूनिसेल्युलर ग्लैंड सेल्स है। यदि हम मल्टीसेल्युलर ग्लैंड सेल्स की बात करते हैं तो मल्टीसेल्युलर जो ग्लैंड सेल्स होती है उनको हमने टू कैटेगरीज में डिफाइन किया था, एक होती है ट्यूबुलर ग्लैंड सेल्स और एक होती है सेक्युलर, या उनको कहते हैं एडुलर ग्लैंड सेल्स। तो हमने टू टाइप की बात करी थी, एक तो कौन सी होती है, नलिकाकार, और दूसरी कौन सी होती है, कोष्ठीय। तो जो ट्यूबुलर ग्लैंड सेल्स होती है वो कैसी होती है, इलॉन्गेटेड ट्यूब्स के फॉर्मेशन में होगी, ये ट्यूब कभी कभी क्या हो जाती है, कॉइल्ड हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड कह देते हैं, यानी कि कुंडलित नलिकाकार ग्रंथि कह देते हैं। कभी कभी जो नलिका होती है वो क्या हो जाती है, वो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, तो इनको हम क्या कह देते हैं, ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड सेल्स, शाखित नलिकाकार ग्रंथियां। और साथ ही साथ बहुत सारी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाती है, बट एक लास्टली एक ओपनिंग के थ्रू वो कनेक्टेड होती है, तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड सेल्स। यहां तक की बात हमने हमारे लास्ट क्लास में करी। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी कोष्ठीय, या इनको हम क्या कहते हैं, सेल्युलर या एडुलर ग्लैंड सेल्स कहते हैं। तो ये भी कैसी है, एक तरीके से मल्टी सेलुलर ग्लैंड सेल्स है। कैसी है ये, ये भी मल्टी सेलुलर ग्लैंड सेल्स है। अब मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ ये भी कैसी होती है, ये भी सिंपल है एंड साथ ही साथ कैसी होती है, कंपाउंड होती है, ब्रांच होती है।
यानी कि जिस तरीके से ट्यूबुलर ग्लैंड सेल्स होती हैं, उसी तरीके से ये भी क्या होती हैं, सेक्युलर ग्लैंड होती हैं। जब हम सेक्युलर ग्लैंड सेल्स की बात करते हैं तो सेक्युलर ग्लैंड सेल्स में क्या होता है, जो वन एरिया होता है कि स्टार्टिंग में ये कैसी होती है, ट्यूब की जैसे, बट इनका जो लास्ट पॉइंट होती है वो एज अ फ्लास्क शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, एब्डोमिनल एंगुलर सेक्युलर ग्लैंड्स कहते हैं। स्टार्टिंग में कैसी होती है, ट्यूबुलर, पहले क्या होते हैं लास्ट पॉइंट पे कैसी हो जाती है, फ्लास्क शेप्ड कंडीशन में आ जाती है। तो इसको हम सिंपल ट्यूबुलर भी, सॉरी सिंपल एब्डोमिनल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा कैसी होती है, हमने बात करी थी ब्रांच, तो यहां पर हम किसके कोष्ठीय जो ग्रंथियां होती है उनका डायग्राम भी बनाएंगे। तो कोष्ठीय जो ग्रंथियां होती हैं, ये क्या है,
कोष्ठीय, संयुक्त कोष्ठीय ग्रंथियां, या इनको हम क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड, कंपाउंड सेक्युलर
main branch into many, main branch into many lobules. डर्मल ग्लैंड्स, एक तरीके से हमारी एपिडर्मल ग्लैंड्स कंप्लीट होती हैं। अब देखो एपिडर्मल ग्लैंड्स में यानी कि ये जो ग्लैंड्स होती है, ये हम आपको अलग से डिफरेंशिएट करके दी हुई है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं और वो ग्लैंड्स क्या वर्क करती हैं। तो इन ग्लैंड्स को हम जब उन एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे तभी हम इन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आपको जो बुक है उसमें अलग से ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है, बट इन ग्लैंड्स को हम क्या करेंगे से।
लिखेंगे कशेरुक जीवों की त्वचा, कशेरुक जीवों की त्वचा बमुश्किल से नग्न प्रकार की होती है। कशेरुक जीवों की त्वचा बमुश्किल नग्न प्रकार की होती है क्योंकि क्योंकि इनकी त्वचा पर कुछ ना कुछ संरचनाएं, क्योंकि इनकी त्वचा पर कुछ ना कुछ संरचनाएं जैसे इनकी त्वचा पर कुछ ना कुछ संरचनाएं जैसे प्रथमतः सरीसृप जीवों में पाए जाते हैं। एपिडर्मल शेल प्रथमतः सरीसृप जीवों में पाए जाते हैं। ये जो कि इनकी देह में जल हानि को रोकता है। ये शल छोटे पतले तथा एक दूसरे को ढकते हुए उपस्थित होते हैं इस प्रकार के शल प्रमुख रूप से छिपकली में सांपों में पाए जाते हैं। सांपों के शीश पर उपस्थित ये शल सांपों के शीश पर उपस्थित ये शल
खाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल में कछुए भी बड़े में मोटे प्रेशर पाए जाते हैं, बड़े में मोटे प्रेशर पाए जाते हैं। ये शरीर से त्यागे जाते हैं, वे नए बनते रहते हैं। ये शब्द शरीर से त्यागे जाते हैं, वे निरंतर प्रतिस्थापित होते रहते हैं, प्रतिस्थापित होते रहते हैं। देखो जैसे हम कहते हैं, जो अगर आपने स्नेक को स्नेक पे देखा हो, क्या होता है इनमें कि स्नेक में होता है इकिडेसिस का प्रोसेस, या जिसको हम कहते हैं निर्मोचन। या आप लोगों ने कभी सुना हो कि जो स्नेक होता है वो क्या करता है, अपनी कंचुली उतारता है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग यही करते थे कि कहते थे सांप की कंचुली है, इसको किताब में रख लो, इससे क्या होती है विद्या आती है। तो वो जो एक तरीके से संरचनाएं हैं वो क्या है, दीज आर द शेल, वो कौन सी संरचनाएं, स्केल्स हैं। तो ये स्केल्स क्या होते हैं कि डेड सेल से निर्मित संरचनाएं हैं, एक तरीके से क्रिएटिन युक्त डेड सेल है जो कि क्या करते हैं, एक तरीके से प्रोटेक्टिव वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में स्केल या लिजर्ड की बॉडी पर ये प्रेजेंट होती है। जब हम इन स्केल्स की बात करते हैं तो इन स्केल्स को ही हम अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नेम से जानते हैं। यानी कि यदि क्या होता है, जो स्नेक है, स्नेक की यदि अपर बॉडी सरफेस पर है, यानी कि यहाँ उसका जो फन होता है यहाँ है, यहाँ अगर प्रेजेंट है उसकी स्किन के नीचे, तो इसको हम क्या कहते हैं, शील्ड कहते हैं। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्केल्स को हम क्या नेम देते हैं, शील्ड कहते हैं। और यदि ये स्केल्स का प्रेजेंट है वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट है, या जैसे हमने क्रोकोडाइल भी देखा, क्रोकोडाइल पर कैसे क्या होते हैं, ट्राइंगुलर पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, तो वहां उन स्टेज पर इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यूज या प्रेशर कहते हैं। तो अलग अलग फेस पर है क्या, एपिडर्मिस से निर्मित ही संरचना है, लेकिन अलग अलग फेस पर हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो हम देखेंगे एपिडर्मल स्केल्स। Dermal scales epidermal scales
रेप्टाइल्स, फर्स्ट आई मीन रेप्टाइल्स, दी सेल्स आर सॉरी दे आर कॉडिफाइड एलिमेंट्स, दे आर क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।